तो हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेतांजल वंस अगेन। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, कैसे हो आप सब? तो गाइस, आज एक्सप्लोरिंग कानपुर का ये थर्ड वीडियो है और आज हम लोग बात करने वाले हैं नौबस्ता से पारा देवी मेट्रो के बारे में, क्योंकि यार यहाँ पर मेट्रो का काम चालू हो चुका है और स्मार्ट सिटी बन रही है कानपुर भी, और यहाँ पर काफ़ी काम हो चुका है, ऑलमोस्ट कम्प्लीट, लोफ जाम मिल गया, तो काफ़ी काम कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने सोचा यार, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हुआ एक्सप्लोरिंग कानपुर के वीडियोस को। पहला वीडियो हम लोगों ने ईरानी चाय पे बनाया था और दूसरा वीडियो हम लोगों ने गंगा बैराज का बताया। आप दोनों को कानपुर की दो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेसेस दिखाई। अब आप बारी है, हम लोग दिखा रहे हैं कानपुर के बेसिकली गंगा सॉरी नौबस्ता और देवी के बीच में जो मेट्रो का काम चल रहा है उसको दिखाते हैं आपको, कितना काम हो गया है और इन फ्यूचर आप लोग कानपुर विज़िट करेंगे तो आपको मेट्रो का सेकंड फेज़ देखने को मिलेगा। क्योंकि फर्स्ट फेज़ में जो मेट्रो का काम चालू हुआ था वो आईआईटी से मोती झील हुआ था, और अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा तो गाइस प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा। आइए चलते हैं, जाम भी खुल गया। क्योंकि तो रक्षाबंधन है और इस समय काफ़ी ट्रैफिक हो रहा है। फाइनली देख सकते हैं यहाँ पर नौबस्ता चौराहे से बैरिकेडिंग लग गई हैं और काम भी चालू हो चुका है। तो अगर आप लोग इस रोड से निकलते हैं नौबस्ता से बारा देवी के लिए तो यार थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि इधर ट्रैफिक बहुत ही हैवी हो चुका है और मेट्रो की बैरिकेडिंग वगैरह भी सब लग चुकी है। तो देख सकते हैं भाई, कानपुर भी अपना स्मार्ट सिटी धीरे धीरे होता जा रहा है। पहले फेज़ पे हमारी मेट्रो चालू हुई थी आईआईटी से मोती झील के लिए और अब यहाँ पर भी चालू हो चुकी है। तो गाइस, अगर आप इस रूट में आते हैं और विज़िट भी करते हैं इस साइड से तो थोड़ा सा टाइम ले कर निकलिए, क्योंकि इस तरफ ट्रैफिक बहुत हो रहा है और कहीं ना कहीं आप लोग जब यहाँ से जाइएगा थोड़ा पेशेंस रखिएगा। तो देख सकते हैं किस तरीके से काम चालू हो चुका है कानपुर मेट्रो का, बैरिकेडिंग लग चुकी है। यार मेट्रो लोगों का यार काम, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, जितना वो लोग काम करते हैं साफ़ सफाई से करते हैं। इवन मॉल रोड साइड भी जाओ, ज़्यादा जहाँ रश होता है वहाँ पर भी वो लोग बड़े सफाई से काम करते हैं। तो ये चीज़ अच्छी है कि काम हो गया, और ये लोग सबसे अच्छी बात एक और है, ये लोग व्यवस्था को भी काफ़ी मेंटेन रखते हैं। तो आप लोग भी जब इधर से आते हैं जाते हैं, और ये देखिए मशीनरी वर्क भी चल रहा है इस समय, तो आप लोग अगर यहाँ से विज़िट करते हैं तो प्लीज़ गाइस थोड़ा पेशेंस के साथ यहाँ से विज़िट करिएगा। ये कुछ नज़ारे हैं कानपुर मेट्रो की बैरिकेटिंग के, आपको पूरा दिखाते हैं किस तरीके से इन लोगों ने बैरिकेटिंग वगैरह लगाई हुई है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कानपुर वालों के लिए कि आगे 2-3 ईयर्स बाद इन सेवाओं का उपलब्ध उठाएंगे वो लोग, और मैं भी उठाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं कानपुर में नहीं रहता तो मैं भी इन सेवाओं का उपलब्ध उठाऊंगा। अभी जितना प्रॉब्लम फेस करनी हो रही है तो आगे चल के ये जो ये सब अच्छाइयाँ हैं ये सब भी हम लोग कहीं ना कहीं मिलेंगी, मेट्रो का यूज़ जब हम लोगों के लिए हो जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली जो भी न्यू अपडेट्स वगैरह कानपुर मेट्रो की रहेंगी तो अप टू डेट हम लोग आपको पहुंचाते रहेंगे। तो फाइनली गाइस, इस वीडियो करता हूं मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आप इस रूट से निकलते हो तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम देके इस रूट से निकलिएगा, क्योंकि यहां पर बहुत ज़्यादा जाम देखने को मिल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।